सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और उन सभी बड़े बड़े बुजुर्गों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके घर में जो बच्चे होते हैं 4 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को विशेष तौर पर संस्कार के अंदर वो कार्टून दिखाएं, वो क्या कहते हैं पिक्चर दिखाएं, वो आप क्या कहते हैं कुछ कहानियाँ गाथाएं पढ़ाएं और सुनाएं जिसमें हमारे देवी देवताओं का बहुत अच्छे ढंग से चरित्र चित्रण किया गया, उनके बारे में बताया गया, ठीक है ना। अच्छे ढंग से पहले आप देख लें, कहीं उसके अंदर ऐसा नहीं कि और कोई चीज़ डाल दी गई हो। तो भावना मेरी यहाँ पर यह आती है कि आप उन बच्चों को हर देवी देवता के बारे में मोटे मोटे आप बताइए कि भगवान विष्णु जी कौन हैं, उनके क्या क्या अवतार हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, भगवान शिव जी कौन हैं, उनके क्या क्या अवतार हैं, क्या क्या नाम है। इसी प्रकार से आपका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, फिर शक्ति होगी आद्य शक्ति, आद्य शक्ति ही से ही सब चीज़ प्रादुर्भाव है, ठीक है ना। ये हमारे देवी देवताओं का चरित्र चित्रण है। फिर जितना बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर ओम के बारे में है, ठीक है ना। इस तरह और भी हमारे धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उनसे पढ़ाइए, उनको वो चीज़ें दिखाइए करिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से धर्म के बारे में उनको ताकि मालूम पड़े, बच्चे एकदम से अचकचा नहीं जाए कि अरे ये पापा शिव कौन है जी, शंकर कौन है, ये विष्णु को नारायण का क्या अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भावना मेरी ये है कि ये आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन वो कब बनेगा, जब आप उनके साथ माँ हो या पिता हो या और घर में बड़ा बुजुर्ग हो, तो वो उनके साथ कम से कम 1 घंटा इस चीज़ के लिए देंगे कि भाई केवल केवल इन संस्कारों के लिए, इन अच्छी नीतिगत बातों के लिए, शास्त्रीय बातों के लिए, देश धर्म के बारे में, तब जाके पार पड़ेगा। हमारे ऐतिहासिक महापुरुष जो हुए वो ठीक है, उनमें से ज़्यादातर तो अपने को स्कूल में पढ़ते हैं उसमें मालूम पड़ते, फिर भी अपनी तरफ से बताना, ठीक है ना। धर्म के बारे में बताना, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताना, गीता के बारे में अच्छी तरह से खुलासा करना, पहले खुद को भी अध्ययन करना पड़ेगा, अगर जिनको थोड़ा अध्ययन कम है उनकी बात करना, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए आप मेरी बात पे गौर करना। मेरे को तो कुछ टीचर्स जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये बताते हैं जी कि बड़ी क्लासों को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन एक नर्सरी क्लास के बच्चे को, मतलब प्ले स्कूल से लेकर नर्सरी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यही कहिए कि जो भी नर्सरी LKG नर्सरी भी जो प्री नर्सरी, ये छोटे बच्चों को पढ़ाना प्राइमरी स्कूल तक, ये बड़ा टफ होता है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त हमारे अंदर क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, सूझबूझ की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो भावना मेरी कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें 1 घंटा देना चाहिए। उसमें कोई पढ़ाई की बातें नहीं, कोई गॉसिप्स गप्पाजी नहीं, कोई खेल कूद के बारे में नहीं, कोई उसके बाद उसका किस्सा सुनना नहीं, ठीक है ना। कोई ऐसे बच्चे होते छोटी छोटी बातें इधर नहीं, उनको चाहे वो 4 साल से 14 साल के बच्चों की बात करता हूँ, मोटे तौर पर 8वीं क्लास तक के बच्चे की बात, ठीक है ना। उनको कम से कम आप इतना डालो, फिर वो 9वीं 10वीं से तो फिर आपका वैसे ही सरते बैठना शुरू करेंगे, आपको तब भी यही करना है, यूं नहीं कि 8वीं के बाद छोड़ दो, करना है बस वो लेवल, फिर उससे और बड़ा हो जाता है, फिर और थोड़ी सी गहरी बातें चलेंगी, बड़ी बातें चलेंगी देश धर्म समाज के बारे में, ये होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। वरना बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, सब आगे चल के सर्विस करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, देश विदेश बसने वाले हैं, आपसे दूर बसना है, लेकिन उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता, फिर वो इधर उधर से कुछ चीज़ की होती है तो पूछते रहते हैं या एकदम तो आश्चर्य करते हैं, अच्छा ऐसा भी जी, अच्छा अंकल ऐसा, अच्छा आंटी ऐसा, तो बड़ा एक वो अंकल आंटी को भी आश्चर्य होता है कि भी इनके परिवार वालों ने इनको कभी नहीं बताया, कभी नहीं समझाया, प्रेरित नहीं करा, क्योंकि हमने केवल एक ही चीज़ के प्रेरित करा, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, बस इसी आदमी से। तो हमारा नैतिक दायित्व तो भी कुछ होता है, उसको हमें पूरा निभाना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्त्री चाहे अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, जो भी कोई हो, पुरुष स्त्री पुरुष कोई भी, जितना भी मैक्सिमम समय आप दे सकते हैं, स्त्री के घर में रहती हैं या नहीं भी, तो माँ से बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं, कम से कम 40 से 60 मिनट इसमें देना चाहिए। इसी तरह पिता को भी देना चाहिए, थोड़ी अपनी खुशियों का अलग घोंट लो, अपनी सुख सुविधा मतलब अपनी थोड़ा जो भी आपको मनोरंजन उसमें कमी करके बच्चों में दीजिए, मंगल कामना नमस्कार। वरना कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बिल्कुल चुपचाप गुमसुम से रहते हैं, बस वो कुछ नहीं, लेकिन टाइम पे कहते हैं अपनी जिद पना पूरा दिखाते हैं, कुछ तेज तरार हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा मीठे चतुर होते हैं। तो इस चीज़ पर गौर करिए, नमस्कार, मंगल।